बेबीज जीतेंगे हम और लॉन्च करके इन्हें खेल खेलेंगे हम, घुमाएं ऐसा किए जाए आसमान के पास, मानते नहीं हम किसी से भी हार। दुनिया भरी नए बेबीज से करे नई पहल नए प्लेयर से, के ना हम जब चले दादा बेबीज लड़े कल आज और कल, मुश्किल हो चाहे कितनी ना झुकना तुम, खतरा जो दिखे तो फिर भी ना रुकना तुम। बेबीज जीतेंगे हम और लॉन्च करके इन्हें खेल खेलेंगे हम, घुमाए ऐसा किए जाए आसमान के पास, मानते नहीं हम किसी से भी हार। बेबीज किसी जमाने में एक तारा आसमान से गिर पड़ा। उस तारे के टुकड़ों से बने भंवरे समय के साथ बदलते गए और बन गए मॉडर्न बेब्लेड। ये कहानी है एक दूसरे किस्म के बेब्लेड की जो उस प्रक्रिया में अलग से विकसित हुआ। ये कहानी है बे व्हील्स की। 3, 2, 1 लेट इट रिप। आखिरी व्हीलर शो तो हाँ, वक्त आ गया है या फिर शुरू होने वाला है द बे व्हील्स वर्ल्ड चैंपियनशिप की है या फिर लड़ाई आखिरी मुकाबला। बी कॉर्नर स्टैंड बाय। और बी कॉर्नर में है जो रह चुके हैं 2 साल पहले विजेता द बुलेट बॉय शो शर्मा और उनके ओपोनेंट फाइनल व्हीलर जिन रियू। ये आपको याद होंगे आखिरी टूर्नामेंट की विजेता के तौर पर जिन रियू। ये जिन, गुड लक जिन। तो किस्सा ये है दोस्तों कि दोनों ब्लेडर्स के स्कोर फिलहाल टाई पर है। जो भी ये मुकाबला जीतेगा वो बन जाएगा इस साल का विजेता और कहलाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट बे व्हीलर। But, surprisingly, this is the first time they have faced each other in the final battle. Yes, because in the last tournament, and the one before that, Leon Fierce battled his way to the final. So it's a final between the two who managed to defeat Leon to reach this point. ये मुकाबला तो बहुत ही रोमांचक है। तो ब्लेडर्स के एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन रायन देख रहे हैं, तो अब मुकाबला शुरू करें! क्या बात है? फाइनल मुकाबला 3 राउंड्स में खेला जाएगा जो टेस्ट करेगा बे की ताकत, रफ्तार और तकनीक को। पहला राउंड है क्रैश बैटल। ये है क्रैश बैटल। दोनों बेस हमला करें ये पक्का करने के लिए नॉर्मल आकार के 1/3 चौड़ाई के स्लोप को सेंटर फोर्स से जोड़ा गया है। जोरदार टक्कर के बाद जो प्लेयर अपने ओपोनेंट को स्टेडियम से बाहर कर देगा वो जीत जाएगा। तो चलिए पहले राउंड की शुरुआत करते हैं। जब हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो चलो इसे मिलकर खत्म करें। सोरिंग व्हील पेगासस। ओके डूमफायर ड्रैगो, लेट्स गो। इतना समझ लो कि तुम मेरे ड्रैगो को क्रैश बैटल में नहीं हरा सकते। मैं हर चीज में तुम्हें हरा सकता हूँ जिन। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। 3, 2, 1 लेट इट रिप। लेट इट रिप। इसका सामना करो। चलो जाओ। क्या गजब का रहा पहला हमला।
लेकिन पेगासस ड्रागो के सामने टिका रहा है। इसने अपनी रफ्तार का इस्तेमाल किया ताकत के मुकाबले में। हाँ अच्छा रहा। हार मत मानना पेगासस। बकवास। पर जब बात हो ताकत की तो ड्रागो ही भारी पड़ेगा। क्या ये खत्म भी हो गया? बिल्कुल नहीं, अभी नहीं। पेगासस अब सोरिंग व्हील पेगासस अपने गिरने की रफ्तार का इस्तेमाल कर रहा है डाइव बॉम्ब अटैक के लिए। बड़ी तेजी से बढ़ रहा है डूम फायर ड्रागो की तरह। हाँ, ये हुई ना बात। क्या खेल खत्म। ड्रागो क्या बात है, ड्रागो के हमले ने पेगासस को स्टेडियम से बाहर कर दिया। राउंड वन का विनर है जिन। गिरने की गति का फायदा पेगासस की कमजोरी पर निकालने की तरकीब अच्छी थी, लेकिन ड्रागो के थ्री क्लॉस उस पर बहुत ही हावी हो गए। मुझे नहीं लगता कि जीत की कोई गुंजाइश थी। क्या बात है शो, तुरंत उस पर हमला करो। लगता है लियोन जो सेमीफाइनल में जीन से हारा था शो के नुस्खे दे रहा है अपनी सस्ती सीट से। रुको तो सही, अगला राउंड मैं ही जीतूंगा। अब शो एक और हार बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो क्या वो इस हार से उभर पाएगा? तो सेकेंड राउंड है। एक रेस बैटल। रेस बैटल वैसा ही है जैसा सुनाई देता है दोस्तों। ये मुकाबला है रफ्तार का, जो भी अपने ओपोनेंट के कॉर्नर को पहले क्रॉस कर दे, मतलब थ्रो आउट पूरा कर दे, जीत जाएगा। तो इस बार कौन सबसे तेज है ये पता करने के लिए कोर्स की लंबाई को दुगना किया गया है। मेरा पेगासस बहुत तेज है, मैं ये मुकाबला हार ही नहीं सकता। आमतौर पर इस मुकाबले में ये देखा जाता है कि बेवीज एक दूसरे से बिना टकराए सीधा स्टेडियम कितनी देर में पार कर लेते हैं, लेकिन चैंपियनशिप इसी बेवील बैटल पर निर्भर करता है। लेकिन इस बार अगर ओपोनेंट आपके कॉर्नर में घुसने की कोशिश करे तो उसे ब्लॉक करना अलाउड होगा। अगर ये लड़ाई आम तरीके से हुई होती तो तेज तर्रार पेगासस का पलड़ा भारी रहता। ड्रागो तो जरूर पेगासस को ब्लॉक करने की कोशिश करेगा, सीधी सी बात है। मतलब अब हमें ये देखना होगा कि क्या शो ड्रैगो के आक्रामक हमले को पार करके वहाँ से निकल पाएगा या नहीं, है ना? सेकेंड राउंड सेट। तो चलो शुरू करते हैं रेस बैटल। 3, 2, 1 लेट इट रिप। अब क्या? रुको जरा, ये क्या कर रहा है? क्या जिन ने इस मुकाबले में मिस लॉन्च कर दिया? ओ रुको, नहीं, ये एक चाल है। ज़िगज़ैग पैटर्न में चलने से ड्रागो पेगासस का रास्ता ब्लॉक कर रहा है। तो ये है उसका प्लान। बहुत चलाक हो। ये अच्छा नहीं। अगर वो ऐसे ही चलते रहे तो ड्रागो मैदान के बीचों बीच पहुँचते ही सीधा टक्कर मार देगा। तू तो गया। इतनी जल्दी नहीं, मुझे उन क्लॉस से निकलना ही होगा। तेज और तेज जाओ पेगासस। चलो और तेज। नामुमकिन। क्या? दिखाई भी ना दे इतनी तेजी से पेगासस ने थ्रो आउट पूरा कर दिया। दूसरे राउंड के विनर है द वन एंड ओनली शो। यस, मैंने कर दिखाया। शाबाश, बहुत अच्छे शो। वो बुरा नहीं है ना? तो आखिर उसने मुझे पछाड़ ही दिया।
तो दूसरे राउंड के बाद ये रोमांचक मुकाबला अब गर्माता जा रहा है 1-1। तो अब कौन जीतेगा तीसरा और आखिरी राउंड? बे व्हील्स वर्ल्ड चैंपियनशिप अपने आखिरी और फाइनल राउंड में आ चुका है दोस्तों। तो कौन जीतेगा ये बैटल और बनेगा नंबर वन व्हीलर? क्या वो होगा शो टेनमा, क्या वो होगा जिनरियु? तो चलिए तैयार हो जाते हैं लास्ट राउंड। फाइनल राउंड में टेस्ट होगी बे व्हील्स की रफ्तार, ताकत और उनमें मौजूद सभी खूबियों की एक स्टंट बैटल में। इस बड़े ढलान वाले जंप कोर्स पर अगर कोई रफ्तार या ताकत में गलती कर दे तो नतीजा हो सकता है सेफ स्टेडियम आउट। और अगर बे व्हील्स बीच हवा में टकरा गए तो झटका जबरदस्त होगा। तो दोबारा ताकत की गलती हुई तो स्टेडियम आउट गले पड़ ही जाएगा। हालांकि आपकी रफ्तार कम रही और छलांग दूसरे छोर तक नहीं पहुंच पाई, या ताकत कम पड़ने की वजह से आप अपोनेंट के साथ नीचे खाई में गिर गए, तो मुश्किलों से भरा एक मैदान आपका इंतजार कर रहा होगा। इस हिस्से को पार करने के लिए बहुत ही महारत की जरूरत होगी। इस चैंपियनशिप की बैटल को जीतने के लिए कुछ ज्यादा ही मैच स्किल्स चाहिए। ये टेस्ट बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। तो तैयार होना हो, यही है दी एंड। फाइनल राउंड सेट। रुक जाओ। हाँ? हाँ, एक मिनट, क्यों रुके क्यों जिन? बे व्हील्स के तीन ग्रेटेस्ट एलिमेंट्स ताकत, रफ्तार और तकनीक के साथ मुकाबला करना बुरा नहीं, लेकिन तुम एक अहम बात भूल रहे हो, समझे? और वो बात क्या है? बे व्हील्स बैटल तीन तरीकों से तय होता है। पहला है स्टेडियम आउट, दूसरा है थ्रो आउट और तीसरा तरीका है स्लीप आउट। तो स्टेडियम आउट और थ्रो आउट की बात नहीं करते, क्यों ना इस कंपटीशन को बना दे ओनली स्लीप आउट कंपटीशन। क्या क्या कहा उसने? क्या उसे सिर्फ स्लीप आउट ही चाहिए? लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है? वो ये जानता होगा ना कि अगर वो हवा में टकराए तो ड्रैगो की ताकत जीतेगी और पेगासस को स्टेडियम आउट कर ही देगी। उसने उसी रूल को हटाया जिससे उसको फायदा हो सकता है, ऐसा क्यों कर रहा है? दिलचस्प है। मतलब हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हम में से कोई थक कर गिर नहीं जाता। मुझे मंजूर है। लेकिन ये रिक्वेस्ट तो अभी लेफ्ट फील्ड से आई है। तो अब क्या किया जाए चेयरमैन? सोचने दो मुझे। मेरे लिए तो ये ठीक है। तो दोस्तों, दोनों व्हीलर्स की रिक्वेस्ट पर स्टेडियम आउट और व्हील आउट इस राउंड में अलाउड नहीं होंगे और चैंपियनशिप के लिए ये रहेगी सिर्फ स्लीप आउट ओनली कॉम्पिटिशन। तुम्हें ये मंजूर है? हाँ, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारी बैटल्स हमें यहाँ तक लेकर आ गई है और अब फैसला हो जाएगा कि हम में से बेस्ट कौन है। तो देर किस बात की है, हो जाए मुकाबला। तो एक बार फिर दोस्तों, द बे व्हील्स वर्ल्ड चैंपियनशिप आ पहुंची है अपने आखिरी और फाइनल राउंड में। 3-2-1। जाओ दिखा दो उसे शो। अपने पंख फैलाओ पेगासस। इसे छोड़ना मत ड्रैगो।